क्राइटेरिया नहीं करना चाहिए अगर आपके 450 प्लस स्कोर हैं तो आप ड्रॉप करो क्योंकि आप एक साल में 150 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो कि इस साल की कट ऑफ के हिसाब से पर अगर आपके कम है फॉर एग्जांपल 300 है तो फिर आपका कुछ कोई चांस नहीं आप एक साल में 300 नंबर कैसे बढ़ा सकते हो ये बात बिल्कुल सही पेरेंट्स माइसेल्फ विपुल शर्मा फ्रॉम डॉक्टर एड्यूज़ोन आज हम बात करते हैं जोनिता भाटिया से जो कि अपनी MBBS की स्टडीज करने यूक्रेन विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जोनसी की यूनिवर्सिटी के 200 साल से पुरानी यूनिवर्सिटी है तो हम जोनिता का एक्सपीरियंस जानते हैं कि उन्होंने यूक्रेन क्यों चुना और आने वाले समय में जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उनको क्या राय देना चाहेंगे तो जोनिता आपके नीट में कितने मार्क्स आए थे 509 पेरेंट्स आप देख सकते हैं कि जोनिता के 509 मार्क्स थे और आज के टाइम में और उन बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे जो उनसे कि ड्रॉप करते हैं बार बार और फिर भी उनको सीट नहीं मिलती वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे ड्रॉपर्स को ड्रॉप तब भी करो आपके स्कोर पर डिपेंड करते हैं कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आपके 450 प्लस स्कोर हैं तो आप ड्रॉप करो क्योंकि आप एक साल में 150 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो कि इस साल की कट ऑफ के हिसाब से पर अगर आपके कम है फॉर एग्जांपल 300 है तो फिर आपका कुछ कोई चांस नहीं आप एक साल में 300 नंबर कैसे बढ़ा सकते हो ये बात बिल्कुल सही कही जोनिता आपने कि इतना ज्यादा यानी कि स्टूडेंट नीट का एग्जाम में वही आता है जो बच्चा एनसीईआरटी में पढ़ता है आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं आता इस बार तो बिल्कुल भी नहीं था हाँ दो क्वेश्चन आए थे पर वो भी उनपे केस किया था वो भी एनसीईआरटी के अंदर से ही थे तो 2 साल स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ता है उसके बाद भी अगर वो 400-450 नंबर नहीं ले पाता तो उसको ड्रॉप करने का कोई फायदा नहीं है तो वो हमारे साथ जुड़े और आज ही अपनी MBBS में एडमिशन ले सकता है तो आपने इंडिया में भी ट्राई किया था कहीं पे हाँ जी मैंने कर्नाटक साइड केरल साइड ट्राई किया था उनकी फीस फिर भी ठीक थी बाकी से जैसे यहाँ पे 20 लाख है यहाँ की हरियाणा की फीस प्राइवेट कॉलेजेस की हाँ प्राइवेट कॉलेजेस की पर फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब 70-80 लाख हो रहा था बजट 70 बिल्कुल एक ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अगर आप 70-80 लाख रुपए लगाते हैं वो भी जोनिता के 509 मार्क्स थे तो उनके 70-80 लग रहे थे अगर और बच्चे के कम हुए तो वो 1 CR प्लस चला जाता है हिडन कोर्स कॉस्ट बहुत ज्यादा आपके डोनेशन लगेगा 50 लाख फिर 1 करोड़ फीस लगेगी मतलब 1.5 करोड़ पे 1.5 करोड़ में आप ग्रेजुएशन करें और इतना पैसा ही आपको मास्टर्स के लिए भी चाहिए पर स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि इस बार से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रूल चेंज किया कि स्टूडेंट चाहे इंडिया से MBBS करे चाहे अब्रॉड से करे उसको सेम ही एग्जाम से गुजरना पड़ेगा तो अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया तो आपने यूक्रेन ही क्यों चुना MBBS के लिए आपके पास और भी ऑप्शन थे फिलीपींस किर्गिस्तान चाइना बांग्लादेश नेपाल आपने यूक्रेन ही क्यों चुना पहले मेरा प्लान बनता चाइना का पर फिर जैसे यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में आने वाला है तो इसलिए यूरोपियन डिग्री मिलेगी तो जर्मनी में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इसलिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास यूरोपियन डिग्री आप शेंगेन की 27 कंट्रीज में कहीं मर्जी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम नहीं देना स्टूडेंट तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूक्रेन तो हमारे साथ जुड़ के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे बारे में आपको कैसे पता चला और हमने जो आपसे प्रॉमिसेस किए आपके सर्टिफिकेट्स को लेके आपको टाइम पे पूरे किए या कुछ डिले हुआ आप उस बारे में क्या हमारे बारे में क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर एडिलोन के बारे में आपके साथ जुड़ के तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि कई जैसे होते हैं कंसल्टेंसीज वो कोई और यूनिवर्सिटी बताती है और इनविटेशन लेटर किसी और का दे देती है पर ऐसा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था और जो सर्टिफिकेट्स लिए थे वैसा बिल्कुल सही काम हुआ था आपको वीजा के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा मेडिकल वगैरह के लिए नहीं आपको हमारे इसी टेबल के ऊपर आपने दिया और यहीं पे आपको सब कुछ हो गया तो आपका फ्यूचर में प्लान क्या है कि आप अपनी स्टडीज को लेके आप वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद कहाँ से स्टडी करना चाहते हैं और उन स्टूडेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे जो जिन्होंने इस बारे ड्रॉप किया है और जो उनसे करने की सोच रहे हैं तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे फ्यूचर में तो अभी जैसे सारों का ही होता है कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो सारे USMLE के बारे में सोचते हैं और यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम्स तो है ही है और अब लेकिन डिपेंड करता है ना अब आगे जितना पढ़ोगे उस हिसाब से आपको PG में सीट मिलेगी
अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, आप कहीं मर्जी से कर लो, बेशक इंडिया से ही कर लो कुछ भी। और कि आप उन स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि जो उनसे कि यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं? ड्रॉप वही करो जिनके स्कोर्स अच्छे हैं, मतलब 400-450 प्लस है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम एक साल में 300 नंबर कैसे बढ़ा लोगे? कोई भी नहीं बढ़ा सकता। बिल्कुल, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को रैंक को जानना भी चाहिए। और एक साल भी नहीं होता हमारे पास, सितंबर तक काउंसलिंग चलती है, उसके बाद आप सोचते हो ड्रॉप करना है, फिर आपके पास सिर्फ 7-8 मंथ्स बचते हैं और उसमें भी आधा टाइम आपका चला जाता है कि ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा हमने ड्रॉप किया। बिल्कुल ये जरूर रहता है कि पेरेंट्स को रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो काफी बातें बनाते हैं इस बार उनके बच्चे ने विषय कुछ ना किया हो, पर आपके ऊपर तो सारे कहेंगे क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो ना, फिर सारे बोलेंगे। पर जोनाथा ये बात है कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपने 510 मार्क्स स्कोर किए, उसके लिए बहुत मेहनत की होगी, तो हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि आप अपनी स्टडीज में बहुत अच्छे रहें, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप रहें और विनसिया का यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करें और अपने मॉम डैड को भी अच्छे सपोर्ट करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई विपुल शर्मा, डॉक्टर एडिजोन।